आज के वीडियो हम देखने वाले हैं समथिंग SSD, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर PS5 और उसके बाद देखेंगे समथिंग QLED 8K एंड लास्ट में हम देखेंगे समथिंग एयर प्योरीफायर। सो इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आज नई अपडेट के ऊपर। तो कैसे हो गए, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले समथिंग SSD 970 ईवो प्लस। और आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, यह बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी बट इसको रिलीज़ फाइनली जो किया है जो जनवरी के अंदर लॉन्च हो चुकी है एंड फाइनली इन ग्रेट न्यूज़ कि ये पाकिस्तान के अंदर भी अब अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहो तो आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर या आप किसी भी मार्ट में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो आप SSD है, इनका मानना कि ये अनरियल परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं। अनरियल से मतलब जो आप सोच रहे हैं या कभी आपने सोच देखा हो उससे बहुत ज़्यादा इस SSD की परफॉर्मेंस है। आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ कि इस SSD में आप अगर आप पाकिस्तान में ले रहे हो तो ये SSD पाकिस्तान में आपको 500 GB की तक मिलेगी, उससे ज़्यादा भी मे भी अब आगे हो लेकिन 500 GB तक अवेलेबल है जो कि 18 से 20 हज़ार तक इतनी की बन जाती है। और उसके बाद 1 TB लेना चाहो या फिर 2 TB तक भी अब ये अवेलेबल है और इसलिए उसकी प्राइस 60 या 70 थाउजेंड तक चली जाएगी। सो ये आज की पहली अपडेट। अगर आप फास्टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड लेना चाह रहे हो गेमिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से तो सैमसंग ईवो 970 प्लस अवेलेबल है, आप ले सकते हो। सो साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि सैमसंग SSD 970 का जो नया एक डिज़ाइन मॉडल है जो कि मशीन मॉडल है, आपको मशीन पूरा प्रॉपर सारा एक सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको अवेलेबल है लेकिन ये अभी फाइनली लॉन्च नहीं किया गया, जैसे इसका एक डेमो स्ट्रक्चर आ गया है। सो गाइज, अगले अपडेट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर PS5 प्ले स्टेशन कंसोल जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का पसंदीदा PS4, बहुत ज़्यादा लोगों ने खेल के मतलब फेवरेट रहा लोगों का PS4, यहाँ पर PS5 की भी अब लॉन्च डेट आ चुकी है। तो PS5 है वो 2020 के अंदर भी मतलब 2020 के अंदर लॉन्च किया जाएगा और ये तकरीबन अक्टूबर से दिसंबर मतलब इसी डेट मतलब 2020 के अंदर ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी तक कोई बस जो कंफर्मेशन आई है वो यही है कि अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान में ये लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके अंदर नए फीचर्स मिलते हैं जो कि PS4 में आपको नहीं देखने को मिलते थे। इसके अंदर आपको 4K और 8K तक सपोर्ट भी जो देखने को मिलती है और इसके यहाँ पर आपको जो गेमिंग कंसोल यहाँ पर मिलते हैं वो ओबियसली जो PS4 से बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिए गए हैं। और यहाँ पर PSVR भी आपको सपोर्ट देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ज़्यादा इसको यूनिक और PS4 से डिफरेंट कर देगी, जो कि वर्चुअल रियलिटी के ऊपर आप गेम में इसको मतलब रियल लाइफ के अंदर आप गेम को ऑब्जर्व कर सकेंगे जो भी आप करेक्टर पे प्ले खेल रहे हो, जो भी गेम आप खेल रहे हो। सो PS5 बहुत ज़्यादा एक नया मतलब क्रेज़ी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो कि PS4 और उसे जिन्होंने यूज़ किया है उनको PS5 के ऊपर समझ इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे। PS5 बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। सो गाइस, अगली अपडेट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर सैमसंग QLED 8K आई रिपीट 8K रेजोल्यूशन के साथ अब मार्केट में आने वाली है जो कि 8K रेजोल्यूशन दे रही है। अभी तक बहुत ज़्यादा मतलब 4K रेजोल्यूशन वाली जो LED हैं वो भी मतलब सभी के अभी इस्तेमाल में नहीं है लेकिन अभी 8K के रेजोल्यूशन के साथ भी सैमसंग ने लॉन्च कर दी है। अब ये बहुत सारे डिफरेंट जो बड़े ब्रांड्स हैं बड़े कंट्रीज हैं वहाँ पर देखने को मिलती है और ये QLED एक आपको रियल लाइफ स्ट्रक्चर देती है जो 8K रेजोल्यूशन के साथ है। इसका जो मेन इसके अंदर जो चीज़ है, इसके अंदर जो प्रोसेसर इसका है वो AI क्वांटम 8K प्रोसेसर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट स्मूथ और आपको बेस्ट रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पे मिलता है। सो इसलिए एक नई चीज़ है 8K रेजोल्यूशन के साथ जो कि 2019 के अंदर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 8K रेजोल्यूशन भी लॉन्च होगी। 4K रेजोल्यूशन के साथ था, 6K तक था लेकिन 8K QLED फाइनली अब लॉन्च के लिए रेडी है और अगर आप लेना चाहो तो ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर से आप शिपिंग करवा सकते हो। सो गाइस, लास्ट अपडेट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर सैमसंग क्यूब एयर प्योरीफायर, कभी आपने सोचा होगा कि अब भी प्योर
मतलब ताज़ा ताज़ा हवा खाओगे। हमेशा से हमने कभी इस चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं किया, और बहुत ज़्यादा हवा डस्ट एयर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लोगों के ये पता नहीं क्या क्या बन जाता है कि मतलब वो पथरियाँ क्या चीज़ें, वो एयर डस्ट बहुत ज़्यादा इसमें आई थिंक इन्वॉल्व होती है। मुझे इतना बायो का नहीं है इलम, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो रिसर्च है वो गलत है सही है। बट यहाँ पर समथिंग एयर प्योरीफायर जो इसीलिए लॉन्च किया गया कि आपके घर के अंदर जितनी भी आपका एयर एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल क्लीन और डस्ट से क्लीन करके ये आपको एक फ्रेश एयर देता है, मतलब ताज़ा ताज़ा घर के अंदर हवा, वो भी डस्ट फ्री। सो इसका बनाने का मकसद यही है। फाइनली ये तो लॉन्च हो चुका है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल भी है, स्टोर्स के ऊपर भी, और ये आप ले सकते हैं और ये बिल्कुल आपको फ्रेश ताज़ा हवा देने वाला है। सो बस गाइज आज के लिए बस इतनी ये अपडेट थी। अगर अपडेट रहना है तो यार मेक श्योर, मैं हमेशा की तरफ कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल को लाजमी चेक करो, नहीं तो डेली की अपडेट्स मिस करते जाओगे। सो मेक श्योर बेल को प्रेस कर लो, नीचे रेड बटन है और बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें पैसे नहीं लगने हैं आपके, और यहाँ पर बेल को प्रेस कर लो, नहीं तो ताज़ा हवा कभी नहीं आपको मिलेगी। सो अपनी फीडबैक लाजमी शेयर करना, लाइक और डिसलाइक करके बताना वीडियो कैसी अच्छी लगी या बुरी लगी, और मुझे दुआओं में याद रखना। ओबियसली यार मैं हूँ आपका दोस्त सुहेब अर्शद, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जज़ाकअल्लाह।